हेलो गाइस, मैं आपके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, ऑल अबाउट द एनिमल। आज का मेरा जो टॉपिक है वो डोंकी है, यानी कि गधा। 5000 वर्षों से हम गधे को ढुआई के काम में ला रहे हैं, मगर हम अगर हम कुछ देशों की बात करें तो कुछ देशों में गधे को दूध के लिए पाला जाता है, जैसे कि सबेरिया। सबेरिया में सबसे महंगा जो पनीर होता है वो गधे के दूध से बनता है। अगर हम गधे के दूध की और मानव के दूध की समानता करें तो ये लगभग एक जैसा है। अगर हम गधे की दूध की और गाय की दूध की को देखें तो गधे के दूध में कम फैट्स होती है। अगर हम गधे की मेमोरीज की बात करें तो गधा अपने जिस जगह पर चला जाता है उस प्लेस को वो 25 वर्ष तक याद रखता है। अगर हम वर्ल्ड में अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह भी गधा ही है, यानी कि डंकी है। अगर हम मिश्र की रानी की बात करें तो मिश्र की रानी जो है कैलियोपरेटा, वो गधे के दूध से स्नान करती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि गधे के दूध से हमारी खूबसूरती में और निखार आएगा। अगर हम इसी के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में गधों की गिनती में, और पाकिस्तान जो है वो गधों को एक्सपोर्ट करता है चाइना में, क्योंकि चाइना जो है वो गधों से मेडिसिन बनाता है। और गधों की पॉपुलेशन में हर वर्ष 1 लाख का इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में। अगर हम पाकिस्तान में गधों की पॉपुलेशन की बात करें तो 58 लाख पॉपुलेशन है गधों की पाकिस्तान में। इसी के साथ साथ ही हम इंडिया की भी बात करेंगे। इंडिया के लोग जो हैं वो बहुत ही सुपरस्टिशियस हैं, और अगर हम इंडिया में इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड नेचर की बात करें तो इंडिया में जो गधे हैं वो रेड लिस्ट में आ चुके हैं। इंडिया में गधों की पॉपुलेशन सिर्फ 1,20,000 है। और अगर हम गधों की ही बात करें तो आंध्र प्रदेश में गधे का मीट खाया जा रहा है, और लोगों का ये मानना है कि गधे के मीट खाने से अस्थमा, बैक पेन और जौन शक्ति बढ़ती है, इसीलिए लोग गधे का मीट बड़े चाव से खा रहे हैं। और रविवार को और गुरुवार को वहाँ पर गधे के मीट के लिए सेल लगती है, और वहाँ 600 रुपया किलो के हिसाब से गधे का मीट बिकता है। अगर आपको ये फैक्ट्स और ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।